खबर बदायूं जनपद से, जहां पुलिस कर्मियों पर आधी रात में घर में घुसकर महिलाओं से अभद्रता करने का आरोप लगा है। पीड़िता ने एसएसपी को से इस मामले में शिकायत की है। आपको बता दें, बदायूं के थाना क्षेत्र उसहैद के ग्राम रिजोला में पीड़िता ने आरोप लगाते हुए बताया, दबंगों ने देर रात शराब पीकर नशे में पहले मारपीट की, फिर खुद ही पुलिस से सांठगांठ कर एफआईआर दर्ज करा दी और रात 12 बजे ही 4 पुलिसकर्मियों ने पीड़ित देव वर्मा के घर में घुसकर महिलाओं से गाली गलौज एवं अभद्रता की और पीड़ित को ही जबरदस्ती थाने ले गए। थाना उसहैद क्षेत्र के ग्राम रिजोला निवासी डिंपल गुप्ता और पड़ोस के ही गांव निताई नगला निवासी देव वर्मा से किसी बात को लेकर बुधवार को मामूली कहासुनी हो गई थी। डिंपल गुप्ता ने थाना उसहैद पुलिस को शिकायत कर दी, जिसके बाद बुधवार की रात तकरीबन 12 बजे हल्का सिपाही अभिषेक गोयल अपने अन्य 4 पुलिसकर्मियों के साथ आरोपी देव वर्मा के घर में घुस गए। देव वर्मा की पत्नी पुष्पा देवी का आरोप है कि सिपाही अभिषेक गोयल ने उनके साथ घर की अन्य महिलाओं से भी अभद्रता की। घर में काफी तांडव करने के बाद सिपाही अभिषेक गोयल देव वर्मा व उनके पड़ोसी जागन को पकड़कर थाना उसहैद ले गए और काफी पिटाई करने के बाद अवारात में बंद कर दिया। इसके बाद गुस्साए देव वर्मा के परिजन ग्रामीण व महिलाएं भारी तादाद में एसएसपी बदायूं से मिली और शिकायती पत्र देकर पुलिस कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। वहीं एसएसपी ओपी सिंह ने जल्द जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। उसहैद बदायूं से निवेंद्र गुर्जर की रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ से आई हो? ये क्या मामला है जो कप्तान साहब के यहाँ पे आए? शराब पी का हमारे पति को मारा और एफआईआर कर दी और हमारे पति को बंद करा दिया। किसने? का नाम मैं जानता नहीं। क्या नाम है? डिंपल। डिंपल। ये कहाँ के हैं? रिजोला के। मामला क्या है जो उन्होंने मारा था? आगे क्या बात हुई थी? पहले गए थे पकौड़ी लाने, उसने वहाँ अपने दरवाजे पे गला पकड़ के मारा और हमारे सोने की ओमी वो छीन ली और देखो फिर बंद करा दिया। हमारे साढ़े 12 बजे पुलिस वाले आई और पुलिस वाले ना गंदी संदी गाड़ी गई और हमने अपने पति का हाथ पकड़ा, फिर हमारे धक्का मार दिया पुलिस वालों ने। तो यहाँ किस लिए आई? हम ऐसे ही आए, जय बात के मारे आए। अच्छा।